दधानां करपद्माभ्यां शमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिण्य नुत्यमा। बोलिए देवी ब्रह्मचारिणी की जय। भक्तों, माँ दुर्गा नवशक्ति का दूजा पावन स्वरूप है देवी ब्रह्मचारिणी का। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्ति और सिद्धि देने वाला है, अर्थात भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। नवरात्रि के दूजे दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन मनन करने से मनुष्य को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और मनुष्यों में संयम की वृद्धि होती है। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, बोलिए मैया ब्रह्मचारिणी की निरंजनी। दूजा ये अवतार है ब्रह्मचारिणी माँ को ध्यान लो सबका बेड़ा पार है। निरंजनी दूजा ये अवतार है ब्रह्मचारिणी माँ को ध्यान लो सबका बेड़ा पार है। ब्रह्मचारिणी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। ब्रह्मचारिणी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। जैसा कि नाम से ही विदित है भक्तों, ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ दुर्गा का ये स्वरूप तप का आचरण करने वाला है। माँ का रूप अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। देखिए भक्तों, माँ के शीश पर तो स्वर्ण का मुकुट सजा हुआ है। माँ श्वेत परिधान में सुसज्जित है। माँ के एक हाथ में जप माला है तथा दूजे हाथ में कमंडल। स्वाभाविक है कि माँ ने एक योगिनी तपस्विनी का रूप धारण किया है। माँ के इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना भक्तजनों में अपार शांति प्राप्त करती है। तो दोनों हाथ जोड़कर माँ के चरणों का ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। ब्रह्मचारिणी मैया भक्तों श्वेत वस्त्र को धारे है, जप माला लेकर के हाथ में शिव का नाम उचारे है। दूजे हाथ में लेके कमंडल नमः शिवाय बोलती, अपने मन मंदिर के द्वारे शिव के लिए ही खोलती। शांत स्वरूप अपार है माँ करुणा आधार है, ब्रह्मचारिणी माँ को ध्यान लो सबका बेड़ा पार है। ब्रह्मचारिणी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। भक्तों, पहले नवरात्र में माँ शैलपुत्री की पावन कथा में मैंने आपको माँ सती की मार्मिक और पावन कथा सुनाई थी। वही माँ सती इस जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री रूप में अवतरित हुई। माता पिता बहुत प्रेम से पुत्री का लालन पालन करते थे, परंतु पुत्री के मन में तो भगवान शिव को वरण करने की लगन लगी हुई थी। वो तो खेल भी ऐसे खेलती थी भक्तों कि स्वयं दुल्हन बन जाती और भगवान भोलेनाथ को दूल्हा मान उनसे विवाह करती रहती। पहले तो माँ बाप ने ये बालपन समझकर इसको हंसी में उड़ा दिया, परंतु उन्हें ज्ञात नहीं था भक्तों कि ये कोई बाल हंसी नहीं है, ये तो जन्म जन्म का नाता है। आगे क्या होता है आइए सुनाता हूँ।
बालापन से शैल पुत्री माँ नमः शिवाय बोलती, अपने प्रेम को गौरा रानी शिव भक्ति में तोलती। पहले तो मैया बाबा ने बात हंसी में उड़ाई है, पर गौरा की लगन देख के चिंता अब हो आई है। शिव इनके भगवान है, शिव ही इनका प्यार है, ब्रह्मचारिणी माँ को ध्यालो सबका बेड़ा पार है। ब्रह्मचारिणी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। बेटी शैल पुत्री अर्थात पार्वती अब युवावस्था की तरफ बढ़ने लगी थी भक्तों। उसे बढ़ता देख स्वाभाविक रूप से माँ बाप को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। वो माँ बाप को समझाती, मैया बाबा चिंता मत कीजिए, मैं तो अपना वर पहले ही ढूंढ चुकी हूँ। ये सुनकर तो माँ बाप और भी चिंतित हो जाते। एक दिन राज पंडित बुलवाया और तीनों लोक में भिजवाया, जाओ गौरा के लिए कोई उचित वर ढूंढ के लाओ। राज पंडित जब जाने लगे तो मार्ग में शैल पुत्री ने उन्हें रोका, बोला पंडित जी आपका भ्रमण व्यर्थ है, मैं तो मन तन धन से शिव को अपना मान ही चुकी हूँ। माँ ने समझाया, बाबा ने समझाया, सखियों ने समझाया, परंतु शैल पुत्री गौरा एक न मानी। और अब समय आ गया था माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को धारण करने का। ब्रह्म ऋषि नारद के कहे अनुसार उन्हें शिव को प्राप्त करने के लिए अब घनघोर तपस्या जो करनी थी। राजमहल को छोड़ी गौरा और वनों में आई है, शैल पुत्र के रूप को त्यागा योगी रूप धराई है। छोड़े सारे वस्त्र राजसी श्वेत वस्त्र को धारा है, शिव शंकर का ध्यान लगाती शिव ही सब संसारा है। मन में अब गंगधार है, शिव ही सत्य आधार है, ब्रह्मचारिणी माँ को ध्यालो सबका बेड़ा पार है। ब्रह्मचारिणी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। पूरे 1000 वर्षों तक माँ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती रही। 1000 वर्ष व्यतीत होने पर अब उनके तन से भी नमः शिवाय की वाणी प्रस्फुटित होती थी। उन 1000 वर्षों में माँ ने एक समय फल फूल खाकर अपना जीवन यापन किया, परंतु ऐसी कठिन तपस्या पर भी भगवान शिव ने माँ को दर्शन नहीं दिए। पिता हिमाचल और माँ मैना ने, सप्त ऋषियों ने आकर गौरा को बार बार समझाया, परंतु वो सब निराश हो गए और अपने अपने स्थानों को लौट आए। अगले 100 वर्ष मैया ने भूमि पर उगी घास शाक खाकर अपना जीवन व्यतीत किया, परंतु भगवान शिव फिर भी नहीं माने भक्तों, क्योंकि वो तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर चुके थे। परंतु माँ भी तो हटी थी, अब उन्होंने हट योग की ठानी। माँ खुले आकाश के नीचे आ गई, एक पांव पर खड़ी हो गई, दोनों हाथों को ऊपर नमन मुद्रा में कर लिया और मुख खोलकर हवा और धूप का सेवन कर वर्षा का पानी पीकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। हवा धूप खाती थी मैया, वर्षा पानी पीती थी, नमः शिवाय मंत्र रात दिन मैया रानी जपती थी। टूटे बिल्ब पत्र भी खाए, घास का सेवन करती थी, सुबह शाम और रात दिना बस शिव का नाम सुमरती थी।
तप का किया संचार है, देख रहा संसार है। ब्रह्मचारिणी माँ को ध्यान लो, सबका बेड़ा पार है। ब्रह्मचारिणी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। नमः शिवाय मंत्र का जप करते करते माँ की काया एकदम क्षीण पड़ गई। भक्तों, सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, सप्त ऋषिगण माँ की शरण में आ गए। माँ के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करी और माँ से प्रार्थना करी कि हे माँ, अब अपना तप समाप्त कीजिए, क्योंकि आप जैसा तप न तो इस सृष्टि में आज तक किसी ने किया है और ना ही कभी कोई कर पाएगा। सभी ने माँ शैलपुत्री गौरा को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया। तभी से सबने मैया की ब्रह्मचारिणी बोलकर जय जय बुलाई। सभी ने मिलकर चंद्रमौली भगवान शंकर को भी समझाया कि हे प्रभु, ये जो अपर्णा घास पात खाकर आपका घनघोर तप करती है, यही ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में सती थी। कृपया इनका वरण कीजिए। सबके मनाने पर भगवान शिव मान गए, माँ को दर्शन दिया और उनके संग बड़ी धूमधाम से विवाह किया। तब हुआ पूरण मैया का, शिव शंकर ने दर्श दिया। सबके समझाने पर शिव ने माँ गौरा से ब्याह किया। नंदी चढ़ के शिव के संग में माँ कैलाश पे आई है। चंदन तिलक लगा, भक्तों ने जय जयकार बुलाई है। खुशियों की बहार है, सृष्टि में जयकार है। ब्रह्मचारिणी माँ को ध्यान लो, सबका बेड़ा पार है। ब्रह्मचारिणी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याण।